नमस्कार दोस्तों, आज हम इस महिला पाम का एनालिसिस करेंगे जिनकी वर्तमान उम्र 48 इयर्स है और ये हाउसवाइफ है। देखते हैं इनके पाम में क्या क्या है। जो साइन होंगे वो इनको, इनके घर वालों को उसका फायदा मिलता है, जो साइने होती है, जो हाउसवाइफ होती है उनके। अब इनका पाम काफ़ी स्क्वायरिश है तो ये काफ़ी मेहनती इंसान होंगे, हर कार्य को मेहनत से पूरा करते होंगे और सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी है तो हिम्मत भी इनमें अच्छी खासी होगी, पर अंगूठा इतना बड़ा नहीं है तो व्यक्तित्व थोड़ा सा उतना एग्रेसिव वाला नहीं होगा, नॉर्मल व्यक्तित्व होगा। और छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी सी छोटी रह रही है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 से 2 mm कम रह रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ें संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारे गुण इनमें होते हैं, पर उसमें 2 से 3 mm कम है तो थोड़ी सी कमी रह सकती है उन गुणों में। अब चलते इनके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए, काफ़ी उभार। तो इस तरह का जब बुध पर्वत रहता है तो व्यक्ति एक तो सुंदर होता है, प्लस उसकी बोली काफ़ी रिफाइंड होती है, बिजनेस एक्यूमेंट के गुण अच्छे खासे होते उनमें, तो ये सारे गुण रहते हैं इनमें। और यहाँ पर देखिए खड़ी लाइनें चल रही है और ये एक लाइन ऐसे चल रही है जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो व्यक्ति रहते हैं उनके हाथों में ये इस टाइप की लाइन पाई जाती है। इनके सूर्य पर्वत पर बहुत सारी पॉजिटिव साइन है। एक तो साइन है यहाँ पर ये फिश साइन, ये कंप्लीट फिश है, तो ऐसे लोगों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होता है, प्लस विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये 3 तरह के लाभ देती है, राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और विदेश से धन प्राप्ति। अब वो ख्याति व्यक्ति जो कार्य करते रहता है उस कार्य के अंदर होती है, जरूरी नहीं कि आपके पास मछली है तो आप शाहरुख खान या प्रियंका चोपड़ा की तरह नाम हो जाता है, आपको उस तरह का नाम नहीं होता। आप जो कार्य, अगर आप जो भी व्यवसाय में हो उस व्यवसाय से रिलेटेड आपका नाम होता है और उस व्यवसाय से रिलेटेड आपके पास धन भी आता है विदेश से। अब यहाँ पर देखिए अच्छा सा ट्रायंगल बना हुआ है और इसको मिलाकर एक फ्लैग जैसी साइन भी बन रही है यहाँ पर, तो ये भी प्लस पॉइंट है। व्यक्ति बहुत अच्छा खासा लाभ मिलता है इस साइन का, बहुत अच्छा लाभ मिलता है पैसे के मामले में। और इनमें एक अलग तरह का तेज भी रहता है और धार्मिक रूप से भी ये ज़्यादा, यानी जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ विजय पताका फहरा के आते इस साइन के कारण, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। और यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, तो ये भी जब सूर्य पर्वत पर कोई भी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति को बहुत फायदा देता है, पैसे के मामले में, प्रॉस्पेरिटी के मामले में, हर मामले में व्यक्ति को फायदा देता है। और यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो ये स्क्वायर का मतलब है व्यक्ति का फैला हुआ बिजनेस, बिजनेस करता हो तो फैला हुआ होता है और जॉब करता है तो भी फैला हुआ काम, यानी मल्टी सिटी बिजनेस व्यक्ति के जीवन में होता है। अब चलते इनके यहाँ पर प्रॉपर्टी की साइन पर। एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी की साइन यहाँ बनी हुई है, धन रेखा और हृदय रेखा को मिलाकर, तो ये इस तरह का जब स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे खासे बनते हैं। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत अच्छा खासा क्षेत्र लिए हुए है और स्ट्रॉन्ग रेखा इस तरह से जा रही है, तो इनके पास बुढ़ापे में अच्छा खासा धन होता है और इनका बुढ़ापे में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी खर्च अधिक रहता है, यानी ये दिल से खर्च करते जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि पर्वत पर धन रेखा होती है तो। और यहाँ पर
एक रेखा इस तरह से जा रही है, तो ये भी विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा करती है। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर एक स्ट्रांग रेखा कंटिन्यू ऊपर तक जा रही है, तो कंटिन्यू प्रोग्रेस इनके जीवन में होता है। और एक और साइन है जो बढ़िया साइन माना माना जाता है, ये राजा लुक। ये राजा लुक व्यक्ति को होता है, तो उनको राजा जैसा व्यवहार जीवन में मिलता है, राजा जैसा सुख मिलता है इस साइन के कारण। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और इनका थोड़ा सा गुरु पर्वत ऐसे है तो उभार लिए हुए, पर इस पार्ट से थोड़ा सा उभार ज़्यादा है, तो हो ना हो इनको थोड़ी कुछ पारिवारिक झंझट मारियों से सामना करना पड़ता होगा। कभी कभी पति से भी मतभेद रहते, इस तरह से उभार जब गुरु पर्वत का रहता है तो। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मल्टीपल बिजनेस इनकम की ओर इशारा कर रहे हैं। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल चाहिए वैसा नहीं है, उभार तो अच्छा खासा है, यानी इलाका तो अच्छा खासा मिला हुआ, पर उस पर बहुत सारी लाइन है। ये चिंतित स्वभाव की ओर इशारा करती है। अगर बहुत बार ऐसे लोग डिप्रेशन का भी शिकार बन जाते हैं, इसका सबसे बेस्ट इलाज है मेडिटेशन और दूसरा भोलेनाथ के मंदिर में जाके जल चढ़ाना। ये लाइनें काफ़ी कम हो जाएगी, नहीं तो ये बार बार चिंताग्रस्त रहने वाला स्वभाव इनको देती रहेगी। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो ये एनर्जी के साथ जिससे भी मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे। सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा, ऐसा लगता होगा कि इनको सालों से जानता है, तो ये बेस्ट पार्ट है। अब चलते हैं इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, अच्छा खासा चंद्र पर्वत है और उस पर यात्रा रेखाएं बहुत सारी बनी हुई है, तो विदेश जाने के अवसर इनको अच्छे खासे जीवन में मिलने वाले इन रेखाओं के कारण। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो बुद्धि प्रतिभा भी व्यक्ति में अच्छी खासी होती है। और एक बढ़िया सी लाइन देखिए आप, एक बुध रेखा यहाँ से निकली और इतनी बड़ी बुध रेखा है, तो जब इस तरह की बुध रेखा होती है तो ऐसे लोगों के हाथ के नीचे बहुत लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन क्रिएट होता है इनके जीवन में इस तरह की बुध रेखा के कारण। ये लाभ इनको नहीं तो, ये हाउसवाइफ है तो इनके घर वालों को मिलता है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इतनी बड़ी बुध रेखा। और एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पर, और दूसरा इसी रेखा के कारण एक ग्रेटर ट्रायंगल बनता है, तो ये लोग बुढ़ापे तक अच्छा खासा धन जमा कर लेते हैं अपने जीवन में। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर लग्जरी लाइनें है, जो जाड़ी मोटी लाइन है ये टोटल शुक्र रेखा है, पर ये जो बारीक लाइन है ये व्यक्ति को थोड़ी सी बाधाएं लाती है। इनका उपाय मैं इनको दे दूंगा व्हाट्सएप पर। बाकी शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा उभार है, सब कुछ है, पर ये थोड़ी सी बारीक रेखा है इनको डिस्टर्ब कर रही है, जीवन में बाधाएं लाती है, जकड़ के रखती है। अब चलते हैं इनकी हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन गुरु पर्वत से शुरू हो रही है, तो ये लोग विश्वासु किस्म के इंसान रहते हैं, पर एक माइनस पॉइंट होता है, इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, चाहे परिवार से हो, चाहे घर वालों से हो, हर व्यक्ति से, साथ में काम करने वाले लोगों से हो, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। उसके कारण इनको थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़ता हमेशा, क्योंकि सामने वाला के पाम पर इस तरह की रेखा नहीं होती, और उसके कारण इनको मायूसी मिलती है। और किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा लेते और वो सामने वाला इतना रिस्पॉन्स नहीं देता, तो एक मायूसी का सामना इनको करना पड़ता है। बाकी इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी डबल्ड है, तो व्यक्ति भारतीय समाज के अंदर महिलाओं के हाथों में इस तरह की रेखाएं कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे परिवार का बोझा लेकर चलती है, उसका प्रतिबिंब इनकी हार्ट लाइन पर भी दिखता है।
अब चलते हैं इनकी माइन लाइन पर। माइन लाइन पर देखें तो अच्छी खासी 36 साल तक ये परिवार के साथ जुड़ी हुई इनकी माइन लाइन है, पर उसके बाद यह यहाँ से निकलकर नीचे जा रही है चंद्र पर्वत की ओर। तो इमेजिनेशन पावर इनका अच्छा खासा होता है और थोड़ी सी छोटी रेखा है तो व्यक्ति बुद्धि प्रतिभा तो अच्छी होती है, पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आ गया तो विस्फोटक बन जाते, ज़्यादा दबाव सहन नहीं कर पाते, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और एक रेखा यहाँ से बढ़िया सी निकल रही है जो ये कंप्लीट बुद्ध पर्वत की ओर देख रही है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये व्यापार दक्षता की ओर इशारा करती है ये। और इस पीरियड में इनको कोई ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में आएगी। ये पीरियड होगा लगभग 55 के आसपास का, 54-55 के आसपास का। एक मिनट चालू रखना, ये लगभग 54 के आसपास का पीरियड इनके जीवन में, उस समय कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा देखें तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट परिवार से जुड़ी हुई रेखा चल रही है, पर उसके बाद ये अलग हो रही है और यहाँ से उम्र लगभग 36 के आसपास से ये अलग होकर इस तरह से सीधी चल रही है। और यहाँ पर मंगल रेखा भी अच्छी खासी है, तो आने वाली जो रेखा है राहु रेखा है उम्र उनसे रक्षा होती है। यानी जब आपके पास मंगल रेखा हो तो व्यक्ति को जो राहु रेखा आती है उसका असर कम होता है जीवन में, ज़्यादा असर उस राहु रेखाओं का नहीं होता। और इनकी राहु रेखा है लगभग इनके उम्र एक काट रही है लगभग 39 के आसपास ये राहु रेखा, और एक उम्र 44 के आसपास काट रही है। इस पीरियड में कोई ना कोई दबाव इनके जीवन में आया होगा, कोई ना कोई मुश्किल का सामना इन्होंने जीवन में किया होगा, पर उसके बाद वापस ऑफ शूट है और इधर भी ऑफ शूट है और इनकी जीवन की गाड़ी अच्छी खासी चलने वाली है। और यहाँ पर एंड में एक फिश टेल भी बन रही है, यानी एक फिश टाइप की साइन बन रही है। इसका मतलब है व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा खासा पैसा रहता है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और इनका विदेश में आना जाना होते रहता है, और प्लस जीवन में एनर्जी देती है, ये एक तीसरा फायदा मिलता है इस फिश साइन का। अब चलते हैं इनकी धन रेखा की ओर। धन रेखा पर देखें तो यहाँ से चली चंद्र पर्वत से और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लग रही है। ये लगभग उम्र 26 के आसपास से लेके 36 तक का पीरियड थोड़ा सा चाहिए वैसा नहीं है, यानी खर्च का भाग पैमाना इनके जीवन में ज़्यादा रहा होगा। और उसके बाद एक पीरियड यहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है इनकी फेट लाइन। ये पीरियड में अधिक खर्च होगा और इनकम इतनी हुई नहीं होगी इस पीरियड में। और यहाँ से ये जो पार्ट है, ये 47 की एज है, अभी ये जो 46 से लेके 48 या 49 तक का पार्ट है, ये थोड़ा सा मुझे सूजापन दिख रहा है धन रेखा में। हो ना हो यहाँ पर इनका खर्च ज़्यादा हो रहा होगा। और एक लाइन हृदय रेखा से निकलकर इसको काट रही है, तो ये लगभग 51-52 के आसपास जीवन में कोई ना कोई परिवार के लिए बड़ा खर्च दिखा रही है। पर ये हो ना हो ये पीरियड थोड़ा सा खर्च अधिक हो रहा होगा इनके जीवन में, लोगों का सहयोग मिलना, धन कमाने में थोड़ी सी बाधाएं आती है व्यक्ति के खर्च अधिक होने के कारण। और इनके जीवन में देखिए आप, एक उम्र लगभग 34 के आसपास, एक थोड़ा सा 36 के आसपास, एक जीवन में 39-40 के आसपास, और एक थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में 45 के आसपास इनको तकलीफ आई होगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, ये इस पीरियड में थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ इनके जीवन में आई होगी, ये पीरियड होगा 44 या 45 के आसपास का।
और उसके बाद इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है, और इनके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी 52-53 से आएगी, और उस अपॉर्चुनिटी में लगभग 55 के बाद अच्छी खासी अर्निंग होगी। ये इस तरह से इनकी जीवन रेखा धन रेखा दिख रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।